सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए स्टार बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट्स परचेज नहीं किए हैं KVS PRT से रिलेटेड, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसको परचेज करें। और अगर आप परचेज करते हैं तो ऐसे यहाँ पे पहले बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट ईमेल आईडी भरें और करेक्ट ईमेल आईडी भरने के बाद आप अपनी ईबुक डाउनलोड करें। अगर यहां से आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलती तो आप अपनी ईमेल चेक करें। ईमेल में आपको एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा इंस्टामोजो की तरफ से, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। आप अपने साथ एक पेपर और पेन साथ में लेकर रखें और अपने उत्तर को उसमें लिखते रहें और एंड में अपना जो स्कोर है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज के प्रश्न इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी रिपीट करूंगा और आप मेरे साथ अपना सही आंसर लगाते जाएं। देखिए पहला प्रश्न है, इन केस ऑफ अ गुड स्टूडेंट स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन इनडिसिप्लिन्ड मैनर यू वुड। आपके केस में, अगर किसी केस के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो अब इनडिसिप्लिन यानी कि अब अनुशासन में नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे? कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। रिपोर्ट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बोलेंगे। ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम, उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। पनिश हिम सिवियरली टू करेक्ट हिम, उसको पनिश करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो ऐसे केस में सिंपल सा प्रश्न है, पेडागॉजिकल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा उत्तर पॉइंट नंबर 3। हम उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। हालांकि अगर ये पॉइंट नहीं होता तो इस केस में दूसरा सबसे ज्यादा सही ऑप्शन जो होता वो पॉइंट नंबर 2 होता। इन केस द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क यू वुड। आपने पता किया कि एक बच्चा जो है वो झूठ बोलने लग गया है और होमवर्क के बारे में कोई चिंता नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ह्यूमिलेट हिम, उसको क्लास के सामने खड़ा करेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड काउंसल हिम, उस बच्चे के प्रति ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसको बार बार काउंसिल करते रहेंगे। नॉट बॉदर मच एज पेरेंट हैज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि पेरेंट्स को पता है। पनिश द चाइल्ड, बच्चे को पनिश करेंगे। तो इसमें थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल बेकार है, फर्स्ट भी बिल्कुल बेकार है, तो सीधा सीधा आंसर इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाता है। ये साफ साफ पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्न के अंदर आइडियली आपको सोचना पड़ेगा कि एक बच्चे के साथ सही व्यवहार क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज अ गुड टीचर, यानी कि एक अच्छे टीचर की जो खुशी होती है यानी कि एक जो अच्छा टीचर का सम्मान होता है वो किस बेस पे किया जाता है? उसका फाइनेंशियल स्टेटस को देख के किया जाता है, पॉपुलैरिटी इन सोसाइटी यानी कि समाज में उसका कितना मशहूर है उस हिसाब से किया जाता है, उसकी नॉलेज एंड रिस्पेक्ट के हिसाब से किया जाता है, या फिर उसके पास कैसी पावर है उस हिसाब से किया जाता है। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल गेन, पॉपुलैरिटी इन सोसाइटी एंड अथॉरिटी, ये तो इररिलेवल पॉइंट हो जाते हैं। और सीधा साधा जो आंसर है यानी कि अध्यापक का ज्ञान और उसका सम्मान ही उसका सम्मान है। प्रश्न नंबर 124, एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी टू, एक एलिमेंट्री टीचर जो है उसको हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा उसको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर्स, अपने साथ के टीचर्स को समझने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, समाज को समझने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, बच्चे को समझने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना, फेलो टीचर को समझना और कम्युनिटी को समझना भी जरूरी है, पर यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ऐसे केस में पॉइंट नंबर 4 को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्रश्न नंबर 125, जनरली स्पीकिंग द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग इज विजिबल इन, यानी कि सीखने की जो जरूरत है वो किस में है, किसको है सीखने की जरूरत? सभी बच्चों को सीखने की जरूरत है, लड़कियों को सीखने की जरूरत है, गरीब बच्चों को सीखने की जरूरत है, या फिर अपंग बच्चों को, डिजेबल चिल्ड्रन को सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग का कहना होगा नहीं गरीब बच्चों को पढ़ना जरूरी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं इनका पढ़ना जरूरी है, इनका पढ़ना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बच्चों का पढ़ना जरूरी है, तभी देश का भी सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न नंबर 126, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीजेस मार्कली बाई स्टूडेंट बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव, यानी कि जो बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो तब बढ़ती है जब स्टूडेंट जो है ज़्यादा फोकस और एक्टिव रहता है, टीचर एक्टिव रहता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल है वो विजिलेंट रहता है और इफेक्टिव रहता है, या फिर बच्चे
एक्टिव पेरेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव और कॉपरेटिव रहते हैं। तो ऐसे केस में पहले और दूसरे पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन होगी, यानी कि बच्चा फोकस हो और एक्टिव हो या टीचर एक्टिव हो। तो ऐसे केस में दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीजेस की बात करी जा रही है। टीचर के एक्टिव होने से बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, और बच्चे के एक्टिव और फोकस होने से बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि पॉइंट नंबर वन को अगर हम देखते हैं तो इसके ना जब बच्चा खुद ही फोकस और एक्टिव हो जाता है तो उसकी स्टूडेंट लर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। टीचर एक्टिव होता है तो भी इंक्रीज होती है, लेकिन इन दोनों केस में किसमें ज़्यादा होगी तो उसमें आंसर नंबर वन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स मटेरियल इज कंसिडर्ड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आपको पढ़ाना है तो इन चारों में से कौन सा जो मेथड है आपको सबसे ज़्यादा सही लगता है? मॉडल दिखाना, जंगल का मॉडल टूर, जंगल का टूर करा देना, फिल्म शो दिखाना, या फिर स्लाइड शो, कोई स्लाइड शो दिखा दी। तो देखिए यहाँ पे फिल्म शो और टूर, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगी। मॉडल से तो कुछ नहीं मिलने वाला, स्लाइड शो से पिक्चर थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन फिल्म शो के अंदर हम बाहर काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल। तो ऐसे केस में टूर जो होगा उसका सही आंसर होगा, क्योंकि टूर में तो बच्चे अपनी आंखों से साफ साफ देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं। फिल्म शो में भी बहुत अच्छा है, यानी कि अगर इसमें देखें कि सेकंड नंबर पे सबसे बेस्ट कौन है तो फिल्म शो होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल फॉर, यानी कि इंडिविजुअल अटेंशन हमको किसको देनी चाहिए? सभी बच्चों को, स्लो लर्नर्स को, इंटेलिजेंट को, या दो या तीन, दोनों को? तो कहने का मतलब है इंडिविजुअल अटेंशन के मतलब है जिसको जरूरत है। जरूरत दो तरह, सभी बच्चों को वैसे लेकिन स्पेशली इंडिविजुअल अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? पहली जिन जिनको स्लो लर्नर्स हैं, और दूसरा जो इंटेलिजेंट है। दोनों को हमें देखना पड़ता है कि स्लो लर्नर्स को हम कैसे स्ट्रीमलाइन लेके आए और इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बच्चों को कैसे टास्क दें कि वो अपना जो कहते हैं कि अपने आप को निखार पाए, यानी कि अपने आप को और क्रिएटिव काम कर पाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द स्कूल। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं? यहाँ स्कूल छोड़ के भागने की बात है, नाम कटने की बात नहीं है, ड्रॉप आउट की बात नहीं हो रही है। पीरियड बंक कर देते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड मतलब इंटरेस्टिंग मेथड नहीं होता, कॉलर्स एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर का बच्चों के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय स्टूडेंट, बच्चों का स्टडीज की तरफ कोई इंटरेस्ट ना होना, या फिर स्कूल का घर से ज़्यादा दूर होना। तो इन चारों में देखिए, चौथा तीसरा तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता इसका, दूसरे और पहले में कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं। अगर टीचर का व्यवहार बुरा होता है तो ऐसे केस में बच्चा जो है नाम कटवा लेता है और स्कूल ही नहीं आता। यहाँ पे भाग जाने की बात करी जा रही है, तो भाग जाने का मतलब सीधा सीधा मतलब है पॉइंट नंबर वन, इसका सीधा आंसर हो जाता है जिसके अंदर टीचिंग मेथड्स का इंटरेस्टिंग ना होना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 130 जो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। और इससे पहले आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहती हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ स्टूडेंट यूनियन इन द स्कूल। स्कूल के अंदर यूनियन बनाने का क्या 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 असर हो सकता है? प्रमोट्स इनडिसिप्लिन, इससे इनडिसिप्लिन बढ़ेगा, मतलब अगर हमने स्कूल के अंदर यूनियंस वगैरह बनाए तो इससे इनडिसिप्लिन बढ़ जाएगा। वेस्ट स्टूडेंट टाइम, इससे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन द स्टूडेंट, अगर हम यूनियंस बनाते हैं तो बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। इंक्रीजेस टीचर्स वर्कलोड, इससे फालतू का टीचर्स के ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो देखिए टीचर्स का लोड तो इसमें क्या बढ़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत इसे काम जरूर बढ़ जाता है। इनडिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तो, और बच्चों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो ऐसे केस में तीसरा जो बिंदु है वो एकदम सही होगा, अप्रोप्रिएट पॉइंट होगा कि स्कूल में यूनियन बनाने से बच्चों के ना लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जल्दी से आप पीआरटी के प्रैक्टिस सेट्स परचेज कर लें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन के बाद जब आप परचेज करते हैं तो प्रॉपर ईमेल आईडी भरना ना भूलें, और ईमेल आईडी पे यहाँ पे डाउनलोड फाइल से इसको डाउनलोड करना ना भूलें। ये फाइल्स थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और
फाइल का जो साइज होता है वो यहाँ परचेज करते वक्त लिखा रहता है, तो इसी हिसाब से आप वेट करें। और अगर आप सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर पाते तो एक बार आप अपने पीसी में चेक करें, ये बहुत अच्छे से डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि साइट एकदम स्मूथ है और बिल्कुल बेहतरीन ये काम करती है। तो इसी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।